नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने किया कोविड केयर सेंटर का भ्रमण। किल कोरोना सर्वे के लिए पूछताछ कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जी हां, कोरोना संक्रमण के चलते जिला पंचायत सीईओ नीतू माथुर ने जनपद पंचायत गंजबासोदा पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए एवं कोरोना संक्रमित नागरिकों को बट रही किट का परीक्षण भी किया। साथ ही साथ स्वरूप नगर पंचायत में बने कोविड केयर सेंटर पहुंचकर व्यवस्था देखी एवं ग्राम पंचायत के सचिव व अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। महागौर एवं लाल पठारा के नागरिकों से पूछा कि किल कोरोना का सर्वे कोई करने आया कि नहीं। सीईओ माथुर ने घर घर जाकर पूछा कि घर में कोई बीमार तो नहीं। इस पूरे भ्रमण में जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी साथ से। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि किल कोरोना सर्वे के कारण संक्रमण में कमी आई है। मध्य प्रदेश गंज वासौदा से एलन शोबे की एक रिपोर्ट। जी। देखिए, शासन और कलेक्टर साहब के निर्देशन में विदिशा जिले में भी किल कोरोना 3 अभियान चल रहा है। इससे पहले किल कोरोना 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। किल कोरोना 3 का उद्देश्य ये है कि जो गांव में अगर पहले से ही प्रारंभिक संभावित लक्षण वाले मरीज हैं कोविड के, उनकी पहचान हो जाए और समय पे उनको इलाज मिल जाए, जिससे कि आगे संक्रमण ना फैले। उसी का एक निरीक्षण करने के लिए आज हम लोग इस पंचायत में आए थे। साथ ही आइसोलेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। सर्वे में हमने यही पूछा लोगों से कि आपके यहाँ कोई दल आया था कि नहीं, और दल आया था तो उसने आपसे क्या प्रश्न पूछे। ऐसा करके हमने ये देखा कि सर्वे दल ठीक से, सर्वे का काम हमारे यहाँ ठीक से चल रहा है या नहीं। हम पूरे विदिशा ज़िले में ग्राम पंचायतों में हमारी जिला पंचायत की हमारी मैडम माथुर साहब और हम हर जगह जा रहे हैं। कल विदिशा में भी थे, आज गंज वासोदा आए। तो ग्राम पंचायतों में एक तो जो सर्वे हो रहा है किल कोरोना अभियान, उस सर्वे के बारे में घर जाकर पूछ रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारे यहाँ कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई क्या। तो लोग बता रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ टीम आई। अगर कोई उनमें टीम में कोई बीमार किसी परिवार में होता है या वो तो उसकी जांच की जाती है, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो हर ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। उन सेंटरों को भी हम देख रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को कि हमारे सम्मानीय कलेक्टर साहब, जैन साहब, हमारी सीओ मैडम और पूरे प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, पूरा प्रशासन बहुत ही विदिशा ज़िले का बहुत ही मेहनत कर रहा है। उसका परिणाम है कि हमारे विदिशा ज़िले में बहुत कम पॉजिटिव केस मिलना शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे गांव में भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बनाई है। उस कमेटी के माध्यम से वो लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, समाज सेवी हों और किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उस कमेटी में वो सम्मिलित हैं। और उसका आज परिणाम है कि हमारा विदिशा ज़िला बहुत कम, आज हम जो केसेज गंज वासोदा में अभी हमारी बात हुई, एक पूरे गंज वासोदा में एक पॉजिटिव केस मिला है। एक खुशी की बात, और कुछ दिन के लिए हम विदिशा वास्तव में कोरोना मुक्त हो जाएगा।